नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लेसन नंबर 17 इफेक्ट्स ऑफ लाइट का क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखिए यहाँ पर नंबर वन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप ध्यान से देखिएगा, ए में आपको क्या लिखना है, अम्ब्रा एंड पिनम्ब्रा, ओके। अब बी में आपको क्या लिखना है, अर्थ, और यहाँ पर आपको लिखना है मून। फिर सी में देखिए, मून लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिखना है, अर्थ लिखना है, समझ में आया आपको। फिर डी में क्या लिखना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब यहाँ पे नंबर टू क्या है, गिव रीजंस। इसमें ए है, स्पेस बियॉन्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर अपीयर्स डार्क। तो इसका आंसर आप देख सकते हो, यहां से लेकर के यहां तक हमने लिखा हुआ है, ओके। अब यहाँ पे बी देखिएगा, वी आर एबल टू रीड वाइल सिटिंग इन द शेड। तो इसका आंसर आप देख सकते हो, देखिए हमने इसका रीजन लिखा है यहां से लेकर के यहां तक। फिर यहां पर नेक्स्ट क्या है, वी शुड नॉट ऑब्जर्व द सोलर इक्लिप्स विथ नेक आईज। तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, दिस इज योर आंसर। अब यहाँ पे नंबर थ्री क्या है, गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट वी कम अक्रॉस इन डे टू डे लाइफ, ठीक है। तो इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ पर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ओके। फिर यहाँ पर नेक्स्ट फोर्थ वन क्या है, व्हाई इज द शेडो ऑफ अ बर्ड फ्लाइंग हाई नॉट सीन ऑन द अर्थ। तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये है इसका आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ओके। फिर यहाँ पर फिफ्थ वन क्या है, व्हाई इज अ पिनम्ब्रा नॉट ऑब्टेंड फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। तो इसका आंसर देख लीजिए यहां से लेकर के यहां तक। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्या है, सिक्स वन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। इसमें ये है, व्हाट इज मीन्ड बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बी देखिए, डज द शेडो रियली वैनिश इन द जीरो शेडो कंडीशन। तो इसका आंसर आप देख सकते हो, यहां से लेकर के यहां तक हमने लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सी देखिएगा, विल द लेजर बीम बी सीन इफ इट पासिस थ्रू अ ग्लास बॉक्स विच कंटेन्स अ लाइटेड इंसेंस स्टिक। तो देख लीजिए आप इसका आंसर यहां से लेकर के यहां तक है इसका आंसर, ओके। अब हम सेवन वन देखेंगे, डिस्कस एंड राइट। इसमें ए है, राइट अ साइंस बेस्ड पैराग्राफ ऑन व्हाट इफ द सन डिड नॉट राइज। तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देती हूं, ये देखिए, ये है इसका आंसर। फिर उसके बाद यहाँ पर बी, व्हाट एफर्ट्स विल यू मेक टू रिमूव द मिसकंसेप्शंस अबाउट इक्लिप्सिस। तो इसका आंसर यहाँ पर देखिए, ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट सी क्या है, वेरियस इक्लिप्सिस And the conditions during that period। तो इसका आंसर आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन पर है, और इसका आंसर थोड़ा बड़ा है, ये देखिए, ये पूरा इसका आंसर है। तो आपको ऐसे नहीं दिखाई देगा, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, देखिए, सबसे पहले तो आप इतना देख लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ओके। फिर उसके बाद आगे का ये रहा, ठीक। अब यहाँ पे एट वन क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंस। इसमें ये है, पॉइंट सोर्सेज एंड एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने दोनों के बीच का डिफरेंस लिखा है,
फिर यहाँ पे बी क्या है, अम्ब्रा एंड पिनम्ब्रा। तो आप देख सकते हो इसका भी आंसर हमने लिखा हुआ है, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने लेसन नंबर 17 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।